एडमिट करा ना जगतपुरी से, 3 दिन पहले पॉजिटिव आया था, सेल्फ क्वारंटाइन किया हुआ था। बेड नहीं है, हम मना कर रहे हैं, बेड नहीं है। कैश करनी पड़ेगी? बिल्कुल कैश करनी पड़ेगी, हम लोग कैश करते हैं। इंश्योरेंस क्लेम नहीं है? दिल्ली में तेजी से बढ़ रहे कोरोना के मामले, लेकिन मरीजों को बेड मिलना सबसे मुश्किल काम। दिल्ली में प्राइवेट अस्पतालों की नजर आपकी जेब पर। प्राइवेट अस्पतालों में नहीं चल रहा मेडिकल इंश्योरेंस। एक मरीज के लिए प्राइवेट अस्पतालों को चाहिए 5 से 7 लाख रुपए। सबसे पहले आप दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के घर से चंद कदमों की दूरी पर बने संत परमानंद हॉस्पिटल चलिए, जो कहता है कि वहां इंश्योरेंस नहीं चलेगा और जनरल बेड के लिए 5 लाख रुपए और आईसीयू के लिए सीधे 7 लाख रुपए की डिमांड रखती। मेरे कजन को कोविड पॉजिटिव है, उसको लाना है, क्या करें? क्या नाम है? मोहित गोयल। क्या नाम है आपको? एडमिट कराना है जगतपुरी से, 3 दिन पहले पॉजिटिव आया था, सेल्फ क्वारंटाइन किया हुआ था, लेकिन अब उसकी बुखार होता है। कराना है आपको? हाँ। चार्जेज जो अगर आप इकोनॉमी लेते हैं, हाँ, तो उसका 30,000 पर डे चार्ज है, ये में लगा हुआ है। तो हमारा तो उसमें है, इंश्योरेंस क्लेम नहीं है आपको? इंश्योरेंस क्लेम नहीं है? और 7 लाख की बात सुनकर चौंकना लाजमी था। अपने नहीं है, आप कहीं से बात करने? उन्होंने तो बोला कैश जमा कराना है। इसके बाद हमने इमरजेंसी वार्ड में तैनात डॉक्टर से बात की। डॉक्टर ने भी मुहर लगा दी कि इलाज कराना है तो कैश पहले ही जमा कराना है। बुखार आ रहा है उसको, पहले तो नहीं थे सिम्टम्स, लेकिन 3 दिन से बुखार आना ज्यादा हो गया है। तो वो दे रहे थे, लेकिन 25 साल। अगर पेशेंट स्टेबल कंडीशन है तो हम नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट करेंगे, एक आइसोलेटेड वार्ड है। अगर पेशेंट कंडीशन सीरियस है तो आईसीयू में शिफ्ट करना पड़ेगा। आईसीयू का मतलब इनिशियल डिपॉजिट है 7 लाख, नॉर्मल लाइफ वार्ड का है 5 लाख। हम जो कह रहे हैं वो 16 आने सही है। हमारे रिपोर्टर कोरोना मरीज को भर्ती करवाने के लिए दक्षिण दिल्ली के मशहूर बत्रा हॉस्पिटल में पहुंचे। वहां बेड को लेकर उनके क्या नखरे और डिमांड है ये सुन लीजिए। इतना गला मेरा खराब कर दिया आप लोगों ने, कोविड आप लोगों को मुसीबत मेरी है। मैं ये बिल्कुल मुसीबत है, मैं इसलिए अंदर आने भी नहीं, मैं कहती मत बेड नहीं है, हम मना कर रहे हैं बेड नहीं है। आप मेरे पास आए हो इतने विश्वास से, कोई बेड तो मैं दूंगी आपको। पेमेंट देखिए आप जमा करेंगे कौन करेगा? कैश करनी पड़ेगी? कैश करनी पड़ेगी, बिल्कुल कैश करनी पड़ेगी, हम लोग कैश करते हैं। अच्छा, कितना कितना का बेड? देखिए अगर कौन सा बेड चाहिए, बहुत लोअर वाला है तो सब आइसोलेशन, हाँ। कम से कम 1 लाख हम जमा करा रहे हैं। अच्छा, तो बता दीजिएगा कैसे बुलाएंगे उनको, पेमेंट बता दीजिए, बेड कैसे होगा मैं बुला लेती हूँ। हाँ, मेल और फीमेल दो है, एक साथ है, वाइफ हस्बैंड है, तो कोई बात नहीं, हम बुला लेंगे, लेकिन 1-1 लाख जमा करना है वो आप बात कर लो, पेमेंट उनके पास वो है ना। मैंने बहुत कम बताया आपको, हम लोग 2-2, 3-3 लाख में लेते हैं। अच्छा, आपने शेयरिंग रूम के लिए कम बताया आपने? हमें तो कम बताया कि हम रूटीन में 1-1 लाख। अब हम आपको ऐसे अस्पतालों की सच्चाई दिखाने जा रहे हैं जहां कोरोना से इलाज की कोई तैयारी नहीं है। प्राइवेट अस्पतालों के पास ना बेड, ना वार्ड, ना वेंटिलेटर। दिल्ली सरकार के ऐप से अस्पतालों का मेल नहीं। आज तक की टीम दिल्ली में वसुंधरा एनक्लेव के धर्मशिला नारायणा हॉस्पिटल पहुंची। उस अस्पताल के मैनेजर की बात सुनिए और सोचिए कि हालात कितने बुरे हैं। अभी हमारे पास बेड नहीं है सर। 30 दिखा रहा है मैडम सर, उसमें ना दिखा रहा है ऐप में 30 दिखा रहा है, बट हमारे बेड्स रेडी नहीं है। हमने भी वहाँ पे बता दिया गवर्नमेंट को, हमारे पास अभी बेड्स नहीं है, हमारे पास वार्ड ही नहीं है, हमारे पास केवल 10 बेड है और अभी भी 11 पेशेंट है। बेड्स ही नहीं है सर, उन्होंने डाल दिया बस कि इतने बेडेड हॉस्पिटल है तो मतलब इतना रेशियो का वो होगा, पर वो फिजिकली भी तो होना चाहिए ना। इसके बाद आज तक की टीम एक और अस्पताल जीवन अनमोल अस्पताल में पहुंची, जिसके मेडिकल सुपरिंटेंडेंट डॉक्टर नीरा सोढ़ी ने खुफिया कैमरे पर खुलासा किया कि कोरोना मरीजों का इलाज करने के लिए
मेडिकल स्टाफ नहीं है। आप बेड रूट नहीं ले रहे हैं? अभी नहीं ले रहे, मेरे पास स्टाफ नहीं। तो ऐप पे तो दिखा रहा है कि 20 सीटें खाली हैं? तो ऐप पे दिखा रहा है, पर स्टाफ के साथ ही एडमिशन होगी ना। स्टाफ तो चाहिए ना जी। तो वो स्टाफ अभी नहीं है। सरकार ने हम लोगों से बोला कि आप ये काम करो और हम अग्री भी कर रहे हैं। मैंने सारा जगह अरेंज कर दी है और मेरे को स्टाफ नहीं मान रहा कर रही है, हम नहीं करेंगे। तो मैं क्या कर सकती हूँ? सरकार अपनी समझती है, सरकार हमारी तरफ की भी समझती है कि हमें क्या दिक्कत है। मेरा स्टाफ रेडी नहीं है करने का। कैसे लोग अगर कह देते हैं कि ले लो अपनी नौकरी, हम जा रहे हैं, क्या कर सकते हैं। और अब आप यमुना विहार के पंचशील अस्पताल में पहुंचिए, जहां वेंटिलेटर है ही नहीं। नहीं सर, हमारे यहाँ एडमिट नहीं है कोविड वाले। तो कोविड वाले पेशेंट को आमतौर पर वेंटिलेटर की जरूरत पड़ती है जी, लेकिन वेंटिलेटर की सुविधा हमारे यहाँ है नहीं। कोई सिंपल सा मरीज होता है तो उसको तो एडमिट कर लेते हैं, बाकी मोस्टली को हम एडमिट कोविड को नहीं कर रहे हैं। और अब आपको दिल्ली के सबसे पुराने प्राइवेट हॉस्पिटल सेंट स्टीफन की सच्चाई से रूबरू करवाते हैं। ऐप पे तो दिखा रहा है, ऐप पे तो दिखा रहा है दिल्ली सरकार की जगह है। हमें देखो पैसा, हमें तो पैसा आ रहा है, हम क्यों मना करेंगे? एक हफ्ते के अंदर सारे बेड नहीं बन सकते। एक हफ्ते के अंदर टाइमिंग जो उन्होंने बताया ना, बेड इतनी जल्दी थोड़ी ना बन सकता है। सारा क्योंकि रूम सारा आइसोलेट करना पड़ता है, एक एक रूम हर चीज़ आइसोलेट करनी पड़ती है। अब आप सोचिए कि दिल्ली में जुलाई के अंत तक 80,000 बेड की जरूरत पड़ सकती है, तो ऐसे अस्पतालों के सहारे आपका इलाज कैसे होगा? मोहम्मद हिजबुल्ला और जमशेद खान के साथ नितिन जैन, दिल्ली आज तक।